मोबीना महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर। 29 कुंदर की विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुरादाबाद पहुंचे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद किया रोड शो। मुरादाबाद 29 कुंदर की विधानसभा पर होने वाले 20 नवंबर को उपचुनाव को लेकर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी चांद बाबू के पहले में लोगों से वोटों की अपील की। दिनांक 10 नवंबर सन 2024 को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने मुरादाबाद 29 विधानसभा कुंदर के क्षेत्र में पहुंचकर किया रोड शो। चंद्रशेखर आजाद को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सड़कों पर गाड़ियों का काफिला, साथ ही जनता का काफिला देखने को मिला, जिसमें चंद्रशेखर आजाद को लोगों ने बहुत प्यार दिया और 29 कुंदर की विधानसभा प्रत्याशी हाजी चांद बाबू को भारी वोटों से जीत दिलाने का वादा किया। रोड शो करने के बाद आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद अंटी विधानसभा कुंदर की क्षेत्र की ग्राम पंचायत भैंसिया में पहुंचे, जहां उन्होंने पहुंचकर जनता से जनसंपर्क किया और वोटों की अपील की। रोड शो के दौरान भारी मात्रा में सभी समाज के लोग नजर आए। डॉक्टर सूरज कुमार, जिला उपाध्यक्ष भीमार्गी मुरादाबाद। कौन सी जगह है ये? ग्राम भैंसिया है। क्या प्रोग्राम है यहाँ? जनसंपर्क है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बड़े भाई सांसद नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जी आने वाले। किस किस तरीके से यहाँ पर जनसंपर्क किया जाएगा? यहाँ जो भी पब्लिक है, यहाँ के ग्राम निवासी हैं, सभी लोगों से जनसंपर्क किया जाएगा, वोट की अपील की जाएगी। कौन सी विधानसभा? विधानसभा 27 है, 29 जी 29 कुंदर की। क्या उम्मीद लग रही है, किससे टक्कर है? उम्मीद टक्कर क्या, हम तो हमारी किसी से टक्कर नहीं है। हमसे जिसकी भी टक्कर होगी वो हमसे होगी। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर, मुस्लिम वोट हो या हिंदू वोट हो, रामवीर रामवीर के गाने गा रहा है, तो इस बार लगता है कि भारी पड़ रहा है सबके ऊपर। ऐसा कुछ नहीं है सर, लोग अपने विषय में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमारी पार्टी के लिए मुस्लिम हो, जाट हो, एससी कास्ट के सभी वर्ग के लोग ये कह रहे हैं कि हम अपना वोट आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी को देंगे। क्या मुद्दा रहेगा आपकी पार्टी का इस बार? मुद्दा क्या रहेगा, सबसे बड़ा मुद्दा तो शिक्षा का है, जो हमारे क्षेत्र में शिक्षा की बहुत ज्यादा कमजोरी है। ऊपर से चिकित्सा, जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में अच्छा इलाज नहीं करा पाते हैं, और सरकारी हॉस्पिटलों की व्यवस्था है नहीं हमारी जो विधानसभा में। तो आपके सांसद जी का यहाँ पर जो क्या विशेष रहेगा अगर बन जाते हैं, यहाँ से सीट मिल जाती है? अगर हमारे हाजी चांद बाबू विधायक बन जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ स्पोर्ट की व्यवस्था की जाएगी, जो बच्चों को खेलने के लिए व्यवस्था नहीं है विधानसभा में। दूसरा उपलक्ष्य रहेगा कन्या डिग्री कॉलेज और कन्या इंटर कॉलेज नहीं है, जो गवर्नमेंट बनाया जाएगा। तीसरा जो है, यहाँ चिकित्सा की व्यवस्था दी जाएगी, जो मेडिकल कॉलेज भी नहीं है हमारी विधानसभा में। इस विधानसभा में और भी बहुत सारी कमियां हैं, जैसे कि सड़कों की व्यवस्था सबसे ज्यादा गंदी है 29 कुंदर की में। सर सड़कों की व्यवस्था क्या ही कही जाए, कि सड़कों की जो कंडीशन है वो बहुत बेकार है। बीजेपी सरकार बहुत ना के बराबर काम कराती है, वोट लेने के नाम पे पब्लिक को गुमराह करते हैं लोग। भाई ऐसा है, सारा का सारा जो मुरादाबाद मंडल का कब्जा है वो तो समाजवादी पार्टी का है, इसमें बीजेपी का तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। सर ये पहली बात तो आपने जो कहा है कब्जा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोकतंत्र है, सभी लोग आजाद है, यहाँ कब्जा किसी का नहीं है। जिसका वोटर, जिसका नेता, फिर उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। अगर आपको सीट पर बैठा दिया करेंगे तो आप ही ना। बिल्कुल ठीक है सर। फिर यहाँ पर हर सीट पे समाजवादी के सांसद विधायक बैठे हुए हैं, फिर भी उसके बाद काम क्यों नहीं हो? सर काम नहीं हो पा रहा है, ये उनका मन है, लेकिन हमारे अगर हाजी चांद बाबू विधायक बनते तो पुनर की विधानसभा को चमका दिया जाएगा। जनता कह रही है कि अगर बीजेपी के अलावा कोई भी आता है तो हाल वैसा का वैसा होगा। ऐसा कुछ नहीं है सर, हमारे जो सांसद बने, पहली बार नगीना से सांसद बने चंद्रशेखर आजाद जी, वहाँ की संसद जो जनता है वो यही कह रही है कि जो पहले बन गए उनका कोई लेना देना है नहीं, और अब जो हमारे सांसद जी बने हैं अब यही स्थगित कर दिए जाएंगे वहाँ पे। धन्यवाद।